अमित शाह का नाम किस किस उसमें है? नहीं, शाह का जो लफ्ज़ है यही फारसी लफ्ज़ है, संस्कृत का तो है नहीं ये। तो नाम से पहले मतलब शहरों के नाम जो चेंज हो रहे हैं उससे भाई, तो अगर नाम चेंज करना है तो अपने नाम भी चेंज करें और फिर शहरों पर आए। ये जो नाम बदलने की पूरी मुहिम है तो उसमें एक पहलू ये भी है कि हिंदुस्तान के कल्चर में जो भी किसी हिंदुओं के अलावा किसी और का हिस्सा हो उसको निकाल दिया जाए, और ख़ास तौर से ये सब कहना कि पहले हम ग़ुलाम थे, हम मुसलमान रूलर्स के ग़ुलाम थे। तो देखिए, जो रूलर्स होते हैं वो तो पहले भी किसी ख़ास जाति से या वर्ण से थे, तो क्या ये कहा जाएगा कि सब क्षत्रियों के ग़ुलाम थे या कुशानों के ग़ुलाम थे, हम कभी आज़ादी नहीं रहे? तो इस किस्म की जो बातें कही जाती हैं वो गलत हैं, और नाम बदलने की मुहिम जो है उसका मतलब ही ये है कि हम एक कल्चर से जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको अलग कर दें।